प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपका स्वागत है। तो जी सरफराज, पहले हम आपसे बात करते हैं, आप क्या कहना चाहेंगे मैच के बारे में? इंशाल्लाह बढ़िया खेलेंगे हमारे लड़के, बढ़िया फॉर्म में। भारत क्या टीम है, देखा नहीं चैंपियंस ट्रॉफी में? धूल चटा देंगे उनको। व्हाट यू थिंक अबाउट बॉलिंग एंड बैटिंग स्ट्रेंथ ऑफ इंडिया? क्या कह रही है, इंग्लिश में, हिंदी में बात ना कर सके? जी मैं कह रहा हूँ कि आप भारत की बल्लेबाजी और गेंदबाजी को कैसे देखते हैं? अरे कैसे देखते हैं, क्या आंखों से देखते हैं? ये कोई टीम है गुरु के वैसे वैसे हार जाते? क्या कह रहा है तू, है चैंपियंस ट्रॉफी में ना देखा, शुरू के मैच जीती है, अरे चला के जिता देता, पड़ोसी है हमारा, है बाद में फाइनल देखा, फाइनल तो हम जीतेंगे कुछ भी हो जाए, फाइनल में पहुँचते ही हम, इसलिए फाइनल तो हमारे लड़के जीते। अरे मैं कह रही हूँ ना, हम जीतेंगे, हमारी बल्लेबाजी नहीं देखी गेंद ने, फखर जमान, बाबर आजम, सोहेल मलिक, इमाम उलक, अरे मजा के रख देंगे भारत को। भारत की गेंदबाजी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? अरे क्या गेंदबाजी, क्या कह क्या कह रही है तू, है तेरे कमेंटेटर किसने बना दिया, है ये क्या क्या गेंदबाजी है? मैं कह रही हूँ इंशाल्लाह, इंशाल्लाह टीम तो वही हमारी, इंशाल्लाह खुदा की रहमत से क्या टीम है भारत। अरे बुमराह जितनी स्पीड तो हमारा स्पिनर फेंक देते हैं, बुमराह कोई तेज गेंदबाज है क्या? रही बात भुवनेश्वर की, ले लेंगे उसको तो। आपको अपने ऊपर मतलब काफी विश्वास है? अरे जी हाँ, विश्वास क्या, पूरा विश्वास है इंशाल्लाह खुदा की रहमत से। बॉयज प्लेयर वेरी वेल, मैच में देख लेना वो, तो हम भारत को कैसे पहनते हैं। तो शिखर धवन और रोहित शर्मा की क्या खास तैयारी की है, बढ़िया फॉर्म में, और क्या कहना चाहेंगे? कह रहे हो धवन रोहित कोई बल्लेबाज है? बल्लेबाज तो है हमारे, है जो उठा उठा कर देते हैं, लंबे लंबे सिक्स मारते हैं, इंशाल्लाह खुदा की रहमत से इनको तो हमारा और हसन अली पहले 10 ओवर में आउट कर देगा। अरे 10 ओवर या पहले ओवर में आउट कर देगा, क्या कह रही है तू, इंशाल्लाह खुदा की रहमत से मोहम्मद आमिर आउट कर देगा इनको, तो रही गई कैसे हसन अली कर देगा। टांगे खाप थी हमारी तेज गेंदबाजी देख के, देखी नहीं क्या, वो तो फॉर्म में चला गया यार, वो तो अभी तक क्या है फाइनल में हराना चाहते थे हम, इसलिए फाइनल की हार का मजा ही लगे जो चैंपियंस ट्रॉफी में दिया था, इसलिए हम जानबूझ के हार गए अभी दो में। अब देख रहा फाइनल में कैसे धूल चढ़ाते हैं भारत को। यस एमएस धोनी प्लीज कम, व्हाट यू थिंक अबाउट दिस मैच? कि आप जानते हैं हमारे ओपनर्स अच्छी फॉर्म में, अच्छा प्रदर्शन करेंगे और जीतेंगे। बाजी में तेज गेंदबाजी, स्पिन और क्षेत्र रक्षण, हम उसमें उम्दा प्रदर्शन कर रहे हैं, और ऐसा ही प्रदर्शन अगर हम जारी रखेंगे तो हम जरूर जीतेंगे। और खास तैयारी, बस हमने अपने बेसिक्स पे ध्यान दिया है और आगे भी बेसिक्स को वो मजबूत करते रहेंगे, जैसा कि आप जानते हैं मिडल ऑर्डर की कुछ खामियां हैं, उन्हें हमें दूर करना है, वो भी मजबूत करेंगे, और जो अच्छा प्रदर्शन करेगा क्रिकेट में जीत उसी की होगी, तो हम जरूर अच्छा प्रदर्शन करेंगे। ये हुआ मैच समाप्त। और हाँ आपको मैं बता दूँ, भारत ने पाकिस्तान को दी है करारी शिकस्त। जी हाँ, एशिया कप के फाइनल में भारत ने पाकिस्तान को बुरी तरह से हरा दी, बड़े बड़े बॉल बोलने वाले पाकिस्तान को पूरी तरह से धूल चटा दी है। हाँ, पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपका स्वागत है। तो जी हाँ, मैं पहले बुलाना चाहूँगा लूजिंग कैप्टन सरफराज अहमद, क्या कहना चाहेंगे आप हार के? इंशाल्लाह ऐसे कोई मारता है क्या, इतनी बुरी तरह से धोया हमारे लड़कों को, मोहम्मद आमिर तो अंदर बैठा बैठा अभी भी हो रहा है, आ रहा ही नहीं है, और इतनी फास्ट बॉल डाल दो फिर भी मारा, दोनों ओपनर्स ने मारा, डबल रोहित ने तो पूरी तरह से खेल दिया। क्या कहना चाहेंगे अपने बल्लेबाजों को? इंशाल्लाह क्या कहूँ मैं अपने बल्लेबाजों के बारे में, उनको तो पूरी तरह से फेल दिया, कहूँ तो बुमराह ने, अरे बुमराह ही और कर डालता है या टांगे तोड़ना चाहता है। तो आप क्या कहना चाहेंगे भारतीय स्पिनर्स के बारे में? क्या फिर की गेंदबाज है इंशाल्लाह, समझ में नहीं आती किधर से पड़ती है किधर से निकलती, समझ नहीं आ रहा हमको। तो आप मैच हार चुके हैं, तो आपने मैच से पहले बड़े बड़े बोल कहे थे, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? अरे कहना पड़ता है यार, तो मैच हम पूरी तरह से तो दिया, हम सोचे अजमा के देख ले, पर यार भारत तो बाप है सबका यार, इतने पूरी तरह से धोया, और शिखर धवन और रोहित शर्मा ने क्या धोया है हमारे गेंदबाज, रो रहे हैं अभी भी, और वो बुमराह, अरे उसने तो नाक में दम करके रख दिया, वो इमाम उलक और फखर जमान और बाबर आजम थे जो हम बैटिंग ही छोड़ रहे हैं, बैटिंग ही नहीं, इतनी खतरनाक बॉल कौन डालता है इंशाल्लाह। तो अब आगे की आपकी क्या प्लानिंग है? इंशाल्लाह खुदा की रहमत से अभी तो भारत ने बुरा खेला है, रोने का मन कर रही है, पर अब रो नहीं सकते, सबके सामने इज्जत खराब होती है, इंशाल्लाह बॉयज प्लेयर वेरी वेल, खुदा की रहमत से बहुत अच्छा खेलेंगे हम। नाउ आई एम गोइंग टू कम, व्हाट यू थिंक अबाउट योर विन ऑन पाकिस्तान
लेकिन एशिया कप जैसा कि आप जानते हैं हमने कुछ गलतियां की थी, इस कारण चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल हम हार गए थे, पर हमने उन गलतियों में सुधार किया और अच्छा प्रदर्शन किया। गेंदबाजों ने, बल्लेबाजों ने और फील्डरों ने सभी अच्छा प्रदर्शन किया, अच्छे कैचेस पकड़े, अच्छे स्कोर किए, तो हमने जीत हासिल की। हम अपना प्रदर्शन आगे के मैचों में टूर्नामेंट्स में बरकरार रख पाएंगे और अच्छा प्रदर्शन करेंगे और हम भारत को ऐसी जीत दिलाते रहेंगे और सभी देशवासी हम पर अपना विश्वास इसे बनाए रखें। चक दे इंडिया।